वेलकम बैक टू जागो लाहौर जनाब, पानी का आलमी दिन है उसके हवाले से हम बात कर रहे हैं। अवेयरनेस की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो है ही है, लेकिन साथ में इंडिविजुअल आपकी भी एफर्ट बहुत ज़रूरी है। हमें ज्वाइन किया है सैयद कमाल अली हैदर ने जो कि वाटर एक्सपर्ट हैं। वेलकम टू द शो सर, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। अली अकबर क्वेश्चन, आप इनका तारीफ करवाना चाह रहे थे। मैं तारीफ इनका ये करवाऊँगा। पहली बात ये है कि इन्हीं के इनिशिएटिव के ऊपर इन्होंने पटिशन फाइल की थी, मैं जब बेंच पे था इन्होंने पटिशन फाइल की थी ये पानी के हवाले से, जिसके ऊपर ये उसी के कंटिन्यूशन है कि हम यहाँ बैठे हुए हैं। तो ये इसमें जो इनिशिएटिव लेने वाले और उसके बाद ये बगैर किसी मुआवजे के इतना टाइम देते हैं और पटिशन भी जबकि उसके बाद भी कमीशन में भी बगैर किसी मुआवजे के इतना टाइम देते हैं और प्रैक्टिकली वहाँ मौके पर जाने के लिए जो इनकी एफर्ट है वो एफर्ट का जो मुआवजा है वो दिया नहीं जा सकता। मैं सिर्फ ये कहूंगा थैंक यू, बड़ा इन्होंने बड़ा काम किया। मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा इट इज एन ऑनर कि आई अपीयर्ड बिफोर हिज लॉर्डशिप, बेंच पे थे और मैं ये कहना चाहूंगा इट इज अ मैसेज टू द रेस्ट ऑफ द जुडिशरी के जो है ना लोगों की तकलीफ को महसूस करें। और जब इनके पास पटिशन आई तो मुझे सांस आ गया कि कोई मुझे उम्मीद की किरण नजर आई। इससे पहले मैंने अपने आप को पटिशनर इस वजह से बनाया बिकॉज मुझे उम्मीद नहीं थी कि मेरी पटिशन को सुना जाएगा और मेरे जहन में था कि आई हैव टू गो टू द सुप्रीम कोर्ट, कि मुझे सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़ेगा। लेकिन जब जनाब ने समाअत की, जज साहब ने, और जिस तरीके से उन्होंने पटिशन को लेके चले और जिस तरीके से उन्होंने काम किया, दैट इज़ कमेंडेबल, इट इज़ एन एग्जाम्पल। बाकी जो हमारे जजेस इस वक्त सर्विंग है उनके लिए एग्जाम्पल सेट करके गए हैं और उनको ये जहन में रखना चाहिए जिस तरह पाकिस्तान के मसले हैं, पानी पीने को नहीं है, खाने को रोटी नहीं है, तो दे शुड नॉट गेट इन्वॉल्व इन टेक्निकलिटीज। वो लोगों के लिए रिलीफ, बिकम रिलीफ गिविंग जजेस, उनको स्क्वीज ना करें, स्क्वीज ना किया जाए। अच्छा, पानी की किल्लत, चूंकि अभी हमने स्टैटिस्टिक्स भी शेयर किया और सर ने बड़ा डिटेल बताई हमें कि किस तरह से हमें आम रूटीन में इस चीज को करना है इंडिविजुअल लेवल पे भी। अब अभी 2025 तक देखा जाए तो पानी की शॉर्टेज का मामला बहुत अलार्मिंग सिचुएशन में चला जाएगा। स्ट्रैटेजीज नहीं है, प्लानिंग्स नहीं है, प्रेफरेंस में शामिल नहीं है, एट द एंड सफर कौन करेगा? पब्लिक। स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? क्या अब हमें डैम बनाने का ख्याल आया है जब हमारे सर पर आकर पड़ गई है? इसमें सबसे पहले तो बिगेस्ट वीकनेस दैट वी हैव, सबसे बड़ी कमजोरी, कोई म्युनिसिपल लॉ नहीं है। बिल्कुल, जब ये पटिशन मैं लेके अपेयर हुआ जज साहब के पास तो इन्होंने पहला सवाल मेरे से किया कि कमाल क्या इसमें लॉ है? तो मेरा जवाब इनको था सर कोई लॉ ही नहीं है, जो कि एक इंतहाई हैरान कन बात और अफसोसनाक बात, अफसोसनाक तो इंतहाई ज़्यादा, क्योंकि ये आपकी सियासतदान और पॉलिटिशियंस का काम है, गवर्नमेंट का काम है कि वो लेजिस्लेट करें। लेकिन इसमें मैं थोड़ा सा आपको आइडेंटिफाई करना चाहता हूँ कि वाई इज द वाटर ड्रॉपर लेवल जो है ड्रॉपिंग, वाई इज द ड्रॉपिंग। हमें वी शुड अंडरस्टैंड द इशू के है क्या। मामला ये है कि आपके पानी का रिचार्ज नहीं हो रहा और रिचार्ज ना होने की वजह से आपका वाटर लेवल जो है वो 2 फुट से 3 फुट हर साल गिर रहा है। कई रिसर्च पेपर के मुताबिक तो 4 फुट से हर साल ड्रॉप करता है। अब ये वाटर लेवल का रिचार्ज नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि जो थीन डैम है रावी के ऊपर कंस्ट्रक्ट कर दी हिंदुस्तान ने, सिंतास मुआहदे के तहत हम रावी उनको दे चुके हैं, मैनेज करना हमारा काम था। अब प्रॉब्लम ये है कि आपका रिचार्ज 82% रिचार्ज लाहौर का एक्वाफायर का वो हिंदुस्तान से आता था रिवर रावी में, दैट हैज बीन ब्लॉक्ड। बाकी ये जो बारिशें थी और ये जो सरफेस वाटर से जो प्रेसिपिटेशन होती है और ग्राउंड वाटर में रिचार्ज होता था वाटर, वो 12% था। अब जब 82% आप रिचार्ज हटा देंगे तो आपके पास क्या रह जाएगा? उसके अलावा फिर जिस तरह जज साहब ने कंट्रोल किया प्राइवेट सोसाइटीज़ की एक्सट्रैक्शन को और पेट्रोल पंप्स की जो एक्सट्रैक्शन वाटर का, आपके मीटर्स का ये हाल था कि जब पटिशन आई तो 40,000 मीटर सिर्फ हैं, 7 लाख कनेक्शन हैं और 12-13 लाख यूज़र हैं, शायद यूज़र इससे भी ज़्यादा, लाहौर की बात करो। तो इनके अहकाम, कई अहकाम इन्होंने जारी किए, उनमें से एक अहकाम ये भी था कि वाटर मीटर्स लगाए जाएँ, लाजम मज़ूम किया जाए। इसी तरह जो आपके पेट्रोल पंप पे जो सर्विस वॉशिंग स्टेशन हैं दे वर अनमीटर्ड, मीटर ही नहीं लगा। फिर आपकी प्राइवेट सोसाइटीज़ का ये हाल है कि पाकिस्तान से बनने से अब तक दे हैव नेवर पेड अ पेनी। ये इनकी कवशों की वजह से, इनके अहकाम की वजह से उनको स्टेट को अब रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं। असल इशू है कि पाकिस्तान में कोई वाटर मैनेजमेंट नहीं है, देयर इज नो लॉ। और बाकी जैसा कि जो इकदामात जज साहब ने एज व्हेन ही वाज ऑन द बेंच लिए और अब जिस तरह वो कर रहे हैं, तो इट इज कमेंडेबल। उम्मीद है कि जो है हम वी विल बी एबल टू कंट्रोल
مینج کرنا ہم جو ہے نا قابو پا جائیں گے کیونکہ میٹر از ویری کرٹیکل کرٹیکل ایگزیکٹلی اور سر یہ معاملہ چونکہ اب جس طرح سے ابھی کمال علی صاحب بتا رہے ہیں کہ ہمارے پاس لاز ہی نہیں ہے اور یہ تو اسٹیٹ کی رسپانسبلٹی تھی کہ اس کے اکارڈنگ کوئی لاز بنائے جاتے ہیں لیجسلیشنس کرائی جاتے ہیں تاکہ پبلک کو بھی پتہ ہوتا یا ہمارے پاس ایک پراپر سیٹ یا فورم ہوتا جس پہ جا کے ہم کرتے کہ یہ جو پانی کی قلت کا معاملہ اب ہمیں آ رہا ہے اس پہ پہلے کنٹرول کیا جاتا ہے بڑی امپورٹنٹ بات آپ نے کی یہی بات بتاتی ہے کہ گورنمنٹ لیول پہ یہ گورنمنٹ کن معاملات میں سیریس ہے ٹھیک ہے جی اب جو معاملات ٹاپ پرائیورٹی کے اوپر جیسے ابھی میں نے عرض کیا اس میں سیریسنیس آپ کو سمجھ آ گئی اب یہ پچھلے میرا خیال 2-3 ماہ سے یا زیادہ ہی ہو گئے ہیں ایک واٹر بل انہوں نے کیا ہوا ہے کہ جس کے اوپر کام ہو رہا ہے فلاں ہو رہا ہے فلاں ہو رہا ہے فلاں ہو رہا ہے اس کے بارے میں یہ پتہ چلا ہے کہ وہ صرف اور صرف جو ایگریکلچر سیکٹر ہے وہ اس کو ڈیل کر رہا ہے وہ جو واٹر بل لا رہے ہیں ابھی تک آیا نہیں ہے جو لانا چاہ رہے ہیں وہ صرف ایگریکلچر کو ڈیل کرتے ہیں ایگریکلچر کو لازمی ڈیل کرے وہ اس سے کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ اس کو کرنا چاہیے وہاں بھی ہمیں اسپرنکل جو واٹر جو طریقہ ہے پانی دینے کا اس پہ جانا چاہیے لیکن ساتھ انہیں جو اربن سائڈ کے اوپر پانی ضائع ہو رہا ہے یہ پتہ چلا ہے ابھی تک چونکہ آیا نہیں ہے پتہ چلا ہے کہ اس کو اس طریقے سے ایڈریس نہیں کیا گیا جتنی اس کی اہمیت ہے اس طریقے سے ڈریس نہیں کیا جا رہا ایک تو یہ بات ہے یہ جو لا بنانا یہ جو پبلک ریپرزینٹیٹیو ہیں جو کہ لوگوں کے ووٹس لے کے جاتے ہیں ان کو پتہ ہونا چاہیے وہ بھی پانی استعمال کرتے ہیں ان کے بھی اپنے علاقوں کے اندر جائیں تو ان کو چاہیے شاید ان کی یہ پرائرٹی میں نہیں ہے ان کی پرائرٹیز میں کیا ہے وہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے وہ ایوری باڈی نو آج تک ایک کسی مسئلے پہ اگر وہ اکٹھے ہوتے ہیں تو جہاں ان کا مشترکہ مفاد ہوتا ہے کیا پانی ان کا مشترکہ مفاد نہیں ہے پانی کی کنزرویشن کا مفاد نہیں ہے یہ بھی ان کا مشترکہ مفاد لیکن یہ پرائیورٹی میں شامل نہیں ہے یہ پرائیورٹی میں شامل نہیں ہے اگر آپ پرائیورٹی میں نہیں شامل کریں گے تو پھر یہ مسئلہ آپ کو بھول جائے گا پھر آپ کو یہ بہت پیچھے پھینک جائے گا پھر آپ بوتلیں لے کے تو لائن میں کھڑے ہوں گے پھر وہی حال جو آپ کیپ ٹاؤن کا بتا رہے تھے وہی حال پھر آپ لائن میں کھڑے ہوں گے پانی لینے کے ذرا ایک منٹ کے لیے سوچئے جو ابھی آپ نے کہا ہے 83% یا 80% آبادی کو پینے کا صاف آپ یہ تھر کے علاقے میں چلے جائیں آپ ادھر یہ چولستان کے علاقے میں جائیں مجھے جانے کا اتفاق ہوا ہے مطلب یہ بات اب ریپیٹ کرنے والی ہے جس کا کوئی اثر نہیں ہوگا اثر کوئی نہیں ہوگا کہ ایک وہ جو تالاب ہے اسی میں جانور ہے اسی میں انسان پانی پی رہے ہیں اور وہ عورتیں ایسے پانی پی رہی ہیں پلا رہی ہیں کہ وہ گلاس کے اوپر اپنا دوپٹہ رکھ کے اور نیچے کیڑے چل رہے ہیں پانی کے اندر اور وہ پانی پیا جا رہا ہے یہ بات کئی دفعہ کہی گئی کئی دفعہ لکھی گئی ہے جس کا کوئی کسی قسم کا کوئی اثر نہیں پتہ نہیں کیوں نہیں ہوتا کہ حالانکہ کل کو یہ پانی انہوں نے بھی استعمال کرنا ہے ایک انتہائی غریب آدمی اور ایک انتہائی امیر آدمی اس کے بغیر تو نہیں رہ سکتا یہ تو زندگی ہے پانی تو زندگی ہے تو اگر ہم نے اس طریقے سے اس کو اگر نہ کہ دیکھیں میں نے اپنے دوستوں کو اور یہ کمیشن کو میں نے کہا تھا میں نے کہا میں بالکل اس بات کو ذہن میں نہیں لاؤں گا یہ ایک قومی خدمت ہے ذہن میں نہیں لاؤں گا کہ جی میں ہائی کورٹ کا جج رہا ہوں اور اب میں کالجز اور سکولوں کے اندر جاؤں میں کہا میں ذاتی طور پہ جاؤں گا ایم ڈی واسا کو ساتھ لے کے جاؤں گا ان کو ساتھ لے کے جاؤں گا اور جو ایکسپرٹ ہوں گے ان کو لے کے جاؤں گا جو کالج کی بچیاں ہیں جو لڑکے ہیں ان کو جا کے بتائیں گے کہ آپ نے انڈیویجولی آپ کی ایفرٹ سے شام کو کتنا پانی بچ سکتا ہے شام کو آپ خود حساب کیجیے اپنے بچوں کو لے کر گراس روٹ لیول سے یہ بالکل انیشیٹ کرنا چاہیے اور یہی افسوسناک بات جو اب ہمیں آہستہ آہستہ چیزیں ریلائز ہو رہی ہیں وہ بھی جب کورٹ آرڈرز دیتی ہے کوئی دیتا ہے اسٹیٹ اس پہ تب تک عمل درآمد نہیں کرواتی نہ کرتی ہے یہ میں ایک بات آپ کی سوری میں تھا یہ کورٹس کب یہ آرڈر کرتی ہے یہ بات پہ ذرا توجہ دیجیے کب آرڈر کرتی ہے جب ڈپارٹمنٹس فیل ہو جاتے ہیں ایسے ہی اپنی ذمہ داری ادا کرنے پہ فیل ہو جاتے ہیں تو صرف ان کو کہا جاتا ہے یہ آئین ہمیں اجازت دیتا ہے جو انیشیٹو ہے یہ بھی کورٹ کی جانب یہ آئین اجازت دیتا ہے عدالتوں کو کہ ان کی ذمہ داری یاد کرائیں یو آر ریکوائرڈ بائی لا ٹو ڈو دس یہ قانون تمہیں کہہ رہا ہے آئین کہہ رہا ہے یہ تم نے کرنا ہے
उनको जिम्मेदारी एहसास दिलाई जाती है, जब वो नहीं करते, अगर वो करते हैं तो कोई कोई किसी को कुछ नहीं कहता, तो जिम्मेदारी की हद तक बात है, जिम्मेदारी की बात है, लेकिन जिम्मेदारी लेने को कोई तैयार नहीं है जी। मैं इसमें I would further like to add because this is the first time जब जज साहब आए, बिल्कुल इट्स एन ऑनर कि ये किसी शो पर इस तरह से आए। एंड मैं अंडरलाइंग जो बात है उसको भी मैं बताना चाहता हूँ कि बिकॉज ऑफ हिज एफर्ट्स 2 करोड़ गैलन पर डे ग्राउंड वाटर इज बीइंग सेव्ड, जो इनके अहकामात हैं उन पे अमल इन्होंने करवाया और उसके नतीजे में जो एक्सट्रैक्शन फ्रॉम पार्क्स हो रही है सिर्फ उसको कंट्रोल किया, एंड 2 करोड़ गैलन 27.12 क्यूसिक्स ऑफ ग्राउंड वाटर इज बीइंग सेव्ड ईच डे। अब ये गवर्नमेंट शुड लर्न फ्रॉम दिस, देखें हकूमत का काम है, अब जुडिशरी और खास तौर पे इस तरह के जजेस जब हों वो इतने बड़े बड़े इकदाम कर रहे हैं तो हुकूमत के लिए तो ये मिसाल है। और इसमें मैं एक और भी दुनिया न्यूज़ को भी और लाहौर न्यूज़ खास तौर पे इश्फाक भाई जो हैं रिपोर्टिंग ऑन एवरी हियरिंग, और फिर जो आपके डायरेक्टर हैं सदाकत साहब उनकी भी बड़ी एफर्ट रही है, मीडिया जो ग्रुप है आपका दुनिया इट हैज़ कॉन्ट्रीब्यूटेड, लेकिन असल कॉन्ट्रीब्यूशन इनकी वजह से है। अगर ये ना करते जो मैं तो आवाज आई वॉज जस्ट अ वॉइस बट ही इज व्हाट मैनिफेस्टेड द एंटायर थिंग, तो ये हुकूमत शुड लर्न कि जुडिशरी को क्यों करना पड़ रहा है, बिकॉज़ दे हैव फेल्ड और दिस इज आवर लास्ट चांस, इसके बाद हमारे पास कोई चांस नहीं है। और इसके लेजिस्लेशन और अभी हम जो लॉज की बात कर रहे थे उसके ऊपर भी कुछ अभी तक उसके हवाले से मैं आप कुछ बात करना चाहता हूँ कि जो हार्मनी इन बिटवीन द डिपार्टमेंट्स नहीं है, कॉन्सनेंस नहीं है डिपार्टमेंट्स, इरिगेशन डिपार्टमेंट को दिया जाता है टास्क तो वो इरिगेशन सेंट्रिक लॉ बना देते हैं, वासा को अगर दिया जाएगा वो बिल्कुल मुकम्मल अपना कर देंगे, देयर शुड बी अ बैलेंस बिटवीन ऑल लॉज। लेकिन इस वक्त जो है इरिगेशन के अलावा आपका लाहौर जो है ना सेंटर कोन जो डिप्रेशन कोन है ना आपकी पानी की वाटर लेवल की जो नीचे दब गया है वो लाहौर में है, दैट इज अर्बन, इस वक्त हमें अर्बन लॉ की जरूरत है, हमें रूरल लॉ की जरूरत नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही है, और ये लॉज जब तक बनेंगे नहीं तब तक ना पब्लिक को इस तरह से जो ख्याल होगा ना हुकूमत वक्त को होगा। देखिए उससे नुकसान ये होता है ना कि अगर लॉ है ही नहीं है तो आप किस लॉ की इम्प्लीमेंटेशन के लिए उस डिपार्टमेंट के पास जा सकते हैं, आप कोर्ट में जा सकते हैं कि जनाब ये लॉ है इसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रही, अब लॉ है ही नहीं है और उसके लिए कोई इतनी सीरियस एफर्ट नहीं। देखिए बाकी जो एक्ट है मैं कोई गवर्नमेंट को तनकीद नहीं कर रहा, मेरा किसी से किसी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं है, मैं सिर्फ ये कौमी खिदमत थी तो मुझे उन्होंने कहा तो मैं फौरी तौर पर टी वी पे, मेरा किसी किस्म का शौक नहीं है, किसी किस्म का नहीं, मैं कह रहा हूँ कि गवर्नमेंट को इसके ऊपर जो हमारे रूलर हैं इसको टॉप प्रायोरिटी दें, इसके बिल पास होने में क्या मुश्किल है, बाकी अगर बिल इतने जल्दी पास हो रहे हैं सर अपनी मरातों तनख्वाहों के लिए 24 घंटे का 5 मिनट में बिल पास हो जाता है, वो उनका अपना मामला, मैं उससे कुछ नहीं कहता, लेकिन ये बिल भी वैसे ही पास होने चाहिए, इसको पास होके इसकी इम्प्लीमेंटेशन। देखिए एक छोटी सी बात है, छोटी सी बात जिसपे कोई पैसा इतना पैसा नहीं लगेगा कि गवर्नमेंट को फर्क पड़ेगा, आज आप पब्लिक डिपार्टमेंट्स जितने पब्लिक डिपार्टमेंट्स हैं उसमें ऑर्डर कर दें कि वो नल वो जो वाटर टैप हैं जो कि वो जिसको सेंसर्स वाले जैसे होटल्स में आप जाते हैं उतना पानी निकलता है जितनी आपकी जरूरत है उससे देखें कितना पानी बचेगा, छोटी सी। और ये गवर्नमेंट ने करना क्या है, गवर्नमेंट ने सिर्फ करना है कि उन नल की उन वाटर टैप की जगह दूसरे वाटर टैप लगने, इतनी सी बात है, थोड़ी सी कीमत है, गवर्नमेंट उसके ऊपर यहाँ से मंगवा सकती है, अब तो यहाँ की बेशुमार कंपनियाँ बना रही हैं, वो कंपनी बनाए उसके ऊपर ये गवर्नमेंट कहे कि बड़ी जो पब्लिक लिमिटेड कंपनी है वो अपने दफातर के अंदर सिर्फ यही ये वाले नाले इस्तेमाल करेंगी, वहाँ एक कोई ना कोई रिसाइकलिंग टैंक बनाएंगी वो उनके लिए लाजमी होगा, पानी के बारिश के पानी को प्रिजर्व करने के लिए वहाँ को टैंक बनाया जाएगा। ये ऐसी बातें हैं जिसपे कुछ इन्वेस्टमेंट नहीं है, कुछ ऐसा खर्चा नहीं है, कोई बाहर से कर्जा लेने की जरूरत नहीं है, कोई यहाँ से कोई लंबा चौड़ा कर्जे की जरूरत नहीं है जिसपे हजारों लगेंगे, लाखों नहीं हजारों लगेंगे सर, हजारों से। लेकिन मैं दोबारा ये बात कहूँगा कि जैसे मैंने कहा है कि एक मस्जिद के बाद हमारी लाहौर में इतनी मस्जिद है कि आपके लिए काउंट करना मुश्किल है, ठीक हो गया, एक मस्जिद के बाद अगर आप टैंक बना देते हैं तो उसके ऊपर 15-20 हजार लगेगा डेली, 1,000-1,500 गैलन पानी बचेगा और जो कितनी देर तक बचता रहेगा जितनी देर तक ये सदका जारी भी होगा, ये उन लोगों के लिए होगा
जिनको जो हमारी आने वाली नस्लें हैं जिनको पानी के लिए वो इंतज़ार करेंगे, देखेंगे। आप उन लोगों के पास जाइए जिनके पास पानी नहीं है, थर के इलाके में जाके कभी पूछिए उनसे पानी की अहमियत, उनसे पूछिए। आप कहीं जा रहे हैं, हम लोग कहीं जा रहे हैं, तो थोड़ी देर पानी ना मिले तो क्या हाल हो जाता है। तो यही सोचिए कि अगर 2025 के 30 के बाद अगर ये सूरत हाल हुई तो अपना एक मिनट के लिए अपने आप को 2030 में ले जाएं कि हम बैठे हुए हैं और हम एक लाइन में लगे हैं एंड वी आर वेटिंग फॉर ड्रिंकेबल वाटर। हमारा जो घर का सरबरा है आप वो लाइन में लगा हुआ है कि ये पानी मैंने लेके जाना है और बच्चों ने पीना है। एक मिनट के लिए अपने आप को वहाँ ले जाएं, ये जो रूलर हैं ये भी ले जाएं अपने आप को। नहीं सर, ये कहाँ सोचते हैं इतना, ये तो पब्लिक बेचारी जो थोड़ी बहुत अपने तौर पर जंग लड़ लेती है तो लड़ लेती है। पानी इनके, आप हमारे लिए अगर पानी कम होगा तो इनके लिए भी होगा, इनके लिए भी, ये इनके लिए भी कम ठीक हो गया। इस हवाले से मजीद भी डिस्कशन करेंगे। मैं ज्वाइन किया है सादिया सुहेल ने, उनको भी हम वेलकम करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग सादिया। सादिया, आज पानी का आलमी दिन मनाया जा रहा है, उस हवाले से हम लोगों को अवेयर भी कर रहे हैं, अवेयरनेस दे रहे हैं कि किस तरह से आप पानी को बचा सकते हैं और आइंदा आने वाले वक्त में हमें किस कदर पानी के हवाले से सिचुएशन, बुरी सिचुएशन का सामना करना पड़ सकता है। हमारा अलमिया ये है कि एक तो आम लोगों तक ये पैगाम ही नहीं पहुंच पाता कि कितना इस टाइम डिफिकल्ट सिचुएशन है, और अगर हमने इसमें सीरियसली काम नहीं किया, मैं समझती हूँ हम सिर्फ गवर्नमेंट या सियासी लोगों को ब्लेम देते हैं। अब ये हर पाकिस्तानी का, हर इंसान का ये फ़र्ज़ है कि जो पानी है, पीने का साफ पानी, वो हर इंसान का फंडामेंटल राइट है, इसको बचाने के लिए। और जिस तरह किल्लत में हम तेज़ी से जा रहे हैं और एनवायरनमेंट की तब्दीली की वजह से और तमाम चीज़ें हो रही हैं, इस पर ख़ास तौर पर मैं अपनी घरेलू बहनों को जो घरेलू इस्तेमाल करती हैं पानी, और जिस तरह हम मीठे पानी को बेदरेग इस्तेमाल करते हैं, कभी गाड़ियाँ धोते नज़र आते हैं, कभी सहन धोते नज़र आते हैं, और पूरी दुनिया में ग्रे वाटर यूज़ होता है कामों के लिए, वो किचन का यूज्ड वाटर होता है, और इस तरह हम चीज़ों को यूज़ करते हैं। और ऐसी ऐसी चीज़ें आ गई हैं कि जिसमें पाइप के आगे नॉब्स लग जाती हैं कि किस तरह आप मिनिमम वाटर यूटिलाइज। आज अब ऐसे खेत और खलियान है, ऐसा सिस्टम है कि जहां हम पानी खोल दिया करते थे उसके बजाय हम शावर के थ्रू या इस तरह इंडिविजुअली हैंडल कर सकें। इन तमाम चीज़ों को आज के इस दिन में मैं समझती हूँ आम लोगों तक अवेयरनेस प्लान, इसमें मीडिया का भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, इसमें हमारा भी, आपका भी, तमाम लोगों का, ये समझने के हमारा ये हम पर फ़र्ज़ है कि अगर हमने अपनी आइंदा आने वाली नस्लों को, और वो बहुत दूर की बात नहीं होगी, मैं अपनी चार नस्लों के बाद की बात नहीं कर रही, मैं अपनी कुल आपका 2025 में आपका क्या सिनेरियो, आपके किस तेजी से पानी नीचे जा रहे हो, और जो पानी है वो आपकी सैनिटेशन सिस्टम की वजह से किस तरह पोल्यूटेड हो रहा, और उसको हम कैसे बचा सकते हैं। हम आबादी को यूं बढ़ाते चले जा रहे हैं। सादिया, अभी हम पहले बात कर रहे थे कि हमारे पास तो लॉज ही नहीं है इस हवाले से, पानी के हवाले से पॉलिसी नहीं किया, तहरीक इंसाफ क्या करेगी इस हवाले जी। इस पे पॉलिसी बनी है, अभी हमने एक बिल भी इस पे पास किया है, और इस पे आगे भी मजीद वाटर पॉलिसीज जो थी, एक बहुत पुराना एक पॉलिसी चल रही थी, नई पॉलिसी प्रायोरिटी में शामिल है। मैं समझती हूँ इस टाइम प्राइम मिनिस्टर का जो विजन है ये प्रायोरिटी नंबर वन है। ठीक हो गया, ठीक हो गया। अच्छा, इसके साथ 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 ही हम ये भी बात कर रहे थे कि लोगों को अवेयरनेस तो देनी है, लॉज नहीं है, उसके साथ साथ अब हम जब देखते हैं तो हमारे पास डैम बनाने का जो एक मिशन है उसमें भी हमें बहुत टाइम दरकार है, उससे पहले हमें इसके लिए कुछ देखिए। असल में बदकिस्मती हमारी यही रही, हमारे जो है ना, हम जो दिखता है वो बिकता है। जो आती है पॉलिटिकल गवर्नमेंट है उनको वोटिंग का उनके माइंड में होता है सिस्टम कि हमको ऐसी चीज दिखा दें जो नजर आए और लोग उस पर वाहवाह करें। असल में ये हमें छोटे पैमाने पे डैम्स बनाने की पहले ज़रूरत थी। बड़े डैम्स के लिए बहुत बड़ा आपको चाहिए होता है, पैसा चाहिए होता है, और दूसरा हमारे साथ एक बदकिस्मती ये रही, हम उन खुशकिस्मत मुल्कों में हैं जिनमें हर साल सैलाब आता है, लेकिन सैलाब को हम वो जो अरबों डॉलर का जो पानी है उसको हम रहमत के बजाय जहमत बना लेते हैं, हमारे देहात बह जाते हैं, हम आज तक रिजर्वायर्स नहीं बना सके, उनको महफूज नहीं कर सके। जो हमारे पास पानी था वो चीज़ तेज़ी से जा रहा है, हर कोई देख रहा है, घर में ड्रिल करवा के पानी खींच रहा है और पानी को पोल्यूट कर रहा है। हम इंडस्ट्री खोल रहे हैं तो ट्रीटेड वाटर, हम वाटर को ट्रीट नहीं कर रहे हैं। इस तरह के इतने मामलात हैं
बिलीव कीजिए, मैं समझती हूँ कि इस पे जितनी बात हो सोच ले, मीडिया भी डिसाइड कर ले आज आपके तवज्जो से। हमने तो डिसाइड किया और आज हमने जस्टिस साहब को बुलाया जो अच्छी पॉलिसीज लेकर आए हैं और इनपे उम्मीद करते हैं कि वर्किंग भी हो। ऐसे लोग जस्टिस साहब जैसे लोग मैं समझती हूँ इनको मीडिया पे टाइम मिलना चाहिए अवेयरनेस फैलाने के लिए। हमारे लिए ऑनर की बात है कि ये कहीं नहीं जाते और आज हमारे शो पर आए हैं। तो सर हम आज के टॉपिक के हवाले से एक एक मैसेज लेते हैं। सईद कमाल हैदर साहब आपसे हम कोई मैसेज लेना चाहेंगे आज के टॉपिक के हवाले से पब्लिक अवेयरनेस के लिए। मैं सिर्फ माय ओनली मैसेज इज कि कंजर्व वाटर एंड स्टार्ट इट फ्रॉम योर होम, अपने घर से शुरू करें और पानी बचाएं। पानी बचाएं सर, एक डिटेल्ड मैसेज जो आप। मैं सिर्फ ये कहूँगा कि अब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं बची, हमें पानी बचाना पड़ेगा। अब हमें इस बात को ख़त्म करना पड़ेगा कि क्या होना चाहिए था, क्या होना चाहिए, क्या ये चाहिए वाले लफ्ज़ से निकल के हमें करना पड़ेगा कि ये आज से ही हम ये इसके बात करेंगे। सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी गवर्नमेंट की, गवर्नमेंट पे आयद होती है कि वो लोगों को मोटिवेट करे और वो बताए कि ये मैं करने लगी हूँ। उसके बाद इंडिविजुअल जिम्मेदारी ख़त्म नहीं हो जाती। इंडिविजुअल लेवल पर जब तक सीरियसली इसको ये सोच के कि ये पानी मैंने अपने लिए बचाना है जब तक मैं जिंदा हूँ और अपने बच्चों के लिए बचाना है, ये वाली बात जब तक आप अपने जहन में नहीं आएगी तो ये नहीं बचेगा। मैंने आपसे भी रिक्वेस्ट करता हूँ और मीडिया वालों से भी कि अगर कोई एंकर एक घंटे का प्रोग्राम करता है तो एक घंटे के प्रोग्राम से सिर्फ पाँच मिनट कोई अहमियत नहीं रखते और कोई आपको मीडिया जो ओनर है वही आपको इसके ऊपर कोई सलाह नहीं देगा। पाँच मिनट से लोगों को ये बता दें कि आपने ये ड्रिंकेबल वाटर बचाना है। कैसे बचाना है? जैसे मैंने छोटी सी बात कही है कि अपना जो नल है, जो वाटर टैप है, वो आधा खोलें, इस्तेमाल करते वक्त आधा खोलें, शाम को देखें कितना पानी आपने बचाया। ठीक है जी, शावर के नीचे जब आप नहीं है, इट विल टेक ओनली 1 सेकेंड, उसको बंद कर दें, फिर दोबारा इस्तेमाल कर लें। उसके बाद घर में जो माली आपका वो पाइप से पानी ना दे उसे के वो जो शावर है जिसको फवारा कहते हैं, उससे पानी दे, वो पानी, ये पानी उससे बचेगा। आपके घर अगर आप खुद गाड़ी धोते हैं तो बाल्टी लेके घर धो लें, घर को साफ करते हैं तो बाल्टी से उसको साफ कर ले। बजाय ये कि नल को आप, वो जो पाइप है, पाइप को आप छोड़ के तो फिर वो धोते रहते, पानी जाया होता रहता है। ये अब ये सारी बातें अगर हमने ना की, जैसे मैंने पहले की है, फिर हम लोग अपने बच्चों के लिए साफ पानी लेने के लिए लाइन में खड़े होंगे। जैसे केप टाउन के अंदर 12 लीटर पर फैमिली को पानी मिला, 12 लीटर। ये 2025 तक जो पाकिस्तान वाटर रिसर्च काउंसिल है उसने कहा ये 2025 तक पानी जाएगा। 2025 कितनी देर रह गई देखिए, दिनों में। तो इसके ऊपर मैं लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा और जो हमारे आइमा कराम हैं जो मसाजिद में बैठे हैं, हर जुमे को उनको रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने लोगों को ये के अपने लोगों को बताएं। सादिया एक छोटा सा मैसेज आप। मैं आप अपनी बहनों को खासतौर पर एड्रेस करूंगी। हमारे यहाँ कल्चर क्या है, बच्चों भी टूथब्रश कर रहे हैं, नलका चल रहा है और आप टूथब्रश कर रहे हैं, देख रहे हैं शीशे में नलका चल रहा है। हम ये नहीं समझते कि हम एक सेकंड लगता है नलका बंद करने में। एक हमारी सुन्नत है कि आप खड़े होकर नहाना पसंद नहीं किया गया, बाल्टी में पानी भरें, स्टूल पे बैठें और पानी कंज्यूम करें, इससे पानी बहुत बचता है। आप चावल धोने बैठते हैं, आपके काम वालियाँ और आप खुद भी चावल के नीचे टैप खोल देते हैं, वो खुद ब खुद पानी ड्रेन आउट होता जाता है। हम इतनी छोटी छोटी चीज़ों को आप ये नहीं देख रहे, आप आइंदा नस्लों से खेल रहे हैं। हमने अपने जो भी काम कर सकते हैं, हम अगर बचत चाहें, और ये देखिए, और ये ऐन इस्लाम है, पानी को जाया करना गुनाह के जुमरे में आता है, हर चीज को इत्तेदाल से इस्तेमाल करना। और मैं समझती हूँ कि हर, अगर एक ये नॉलेज मेरे में है, अगर मैं अपने हमसाए में, अपने किसी दोस्त में, किसी बहन भाई में देखूं, तो मैं इसको इबादत समझ के तबलीग के तौर पर करूँ, और ये करना लाजिम है। थैंक यू वेरी मच एवरीवन, बहुत शुक्रिया। सिर्फ एक बात ये कहूंगा, मुझे किसी ने बताया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब वजू करते थे तो बर्तन में पानी लेके, जाहिर इससे बड़ी कोई बात हो सकती है? बिल्कुल बिल्कुल, ये सारी बातें इसके अंदर आके। बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच सर, बहुत शुक्रिया आपके आने का। इट्स एन ऑनर, और ये आज का दिन था,
मैं इनकार नहीं कर सकता। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच एवरीवन जनाब। सादिया थैंक यू आपका भी। आपसे हम इजाजत लेंगे, इंशाल्लाह आपसे हमारी मुलाकात होगी कल। फीडबैक के लिए हमारा फेसबुक पेज है। कल तक के लिए जागो लाहौर की तरफ से खुदा हाफिज़।